नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज जनपद के नगर विकास विभाग के परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम का प्रसारण वर्चुअल माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम नेहरू नगर गाजियाबाद से किया गया। इस अवसर पर नगर विकास विभाग की परियोजनाओं यथा स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय वाईफाई की सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा जनपद में इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ आदि परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन लखनऊ से किया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर आज विकास कार्यों की सौगात दी गई है, लोकार्पण किया गया है। 605.82 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज जनपद के नगर विकास विभाग के परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम का प्रसारण जो कि वर्चुअल माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम नेहरू नगर गाजियाबाद से किया गया है। इस अवसर पर नगर निगम, नगर विकास विभाग की परियोजनाओं यथा स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय वाईफाई की सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा जनपद में इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ आदि परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन लखनऊ से किया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रिक बस की योजना हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी बनाई थी ताकि गाजियाबाद को 100% उस समय जो करार किया गया था उसमें हमें कुछ ऐसा पता लगा कि वो चाइनीज कंपनी कोई भारत के अंदर घुसना चाहते हैं, उसको फिर कैंसिल करके अब बसें दोबारा आई है ताकि भारत में निर्मित आपकी टेक्नोलॉजी वाली बस हमारे अंदर। कानपुर में खराब मौसम के चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअली लखनऊ से राष्ट्रीय राजमार्ग योजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बदलाव पर मायूस कार्यकर्ता और लोग लोकार्पण और शिलान्यास से पहले ही कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वर्चुअली संबोधित करते रहे और लोग कुर्सियां छोड़कर जाते रहे। आगरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी शू एक्सपोर्टर के मालिक के यहां दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। 24 घंटे से ज्यादा समय से आयकर विभाग की टीमें अलग अलग स्थानों पर दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। अब आयकर विभाग ने बुधवार सुबह मनु अलख के घर पर ताले और लॉकर खोलने के लिए चाबी बनाने वाले को बुलाया है। इससे पहले इनके बैंक लॉकरों को भी सीज करने की कार्रवाई की जा चुकी है। आगरा में मंगलवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने शू कारोबारी मनु अलग, विजय अहूजा, मानसी चंद्रा और राजेश सहगल के आवास सहित 11 प्रतिष्ठानों पर छापे मारे थे। देर रात तक टीमें सभी के घरों पर जांच में जुटी थी। बरेली में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल कांग्रेस की मैराथन में मची भगदड़ मामले की खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष व कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट डीएम मानवेंद्र सिंह को भेजी। डीएम ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का यह बड़ा असर, जहां प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद अब कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीएम मानवेंद्र सिंह के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के पीलीभीत जनपद में भी अपना दल एसबी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह लगा हुआ है।
इसी क्रम में राज्य मंत्री कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग उत्तर प्रदेश जय कुमार सिंह जैकी का जनपद बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद का भ्रमण कार्यक्रम लगा हुआ है। वहीं बरेली से चलकर मंत्री ने जनपद पीलीभीत के लिए प्रस्थान किया, जिसमें बरेली पीलीभीत मार्ग शाही पर अपना दल एस के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। काशीराम बारात घर में कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, अभी तक सीटों के बंटवारे पर बात नहीं हुई है। अभी पिछली बैठक में, मासिक बैठक में, हमारे दल की, अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल ने, सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों ने उन्हें ये जिम्मेदारी दिया है कि आप गठबंधन की जो भी बात है वो आप करेंगे। तो सीटों को लेकर के क्या है, अभी चर्चा चल रही है और उस चर्चा के दौरान जब फाइनल होगा तब आपको उसकी सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी। लखनऊ में AKTU विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की गई है। बता दें कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नियुक्ति की है। 3 साल की अवधि के लिए कुलपति बनाए गए हैं। तो AKTU विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला, जहां पर प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा को नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं सहारनपुर में सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। हल्की बरसात ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। दिन की शुरुआत मौसम के बिगड़े मिजाज से हुई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, सर्द हवाएं लोगों की कपकपी छुटाती रहीं। इसके बाद हल्की बरसात शुरू हो गई। बरसात होने के बाद ठिठुरन बढ़ गई। बरसात के कारण बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम रही। लोग जरूरी काम के लिए बाहर निकले, जो भी निकले गर्म कपड़ों में पैक होकर ही बाहर निकले। मौसम विभाग ने बरसात होने के साथ सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। लखनऊ में जाम की स्थिति से जनता बेहद परेशान है। बता दें कि लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पर लगातार जाम लगा रहता है। इसी रास्ते से होकर मरीज आते हैं, लेकिन उसके बाद भी बलरामपुर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि इस रास्ते से 3 थानों का बॉर्डर मिलता है कैसरबाग चौराहे पर, इसलिए पुलिस भी लापरवाही करती है। बता दें कैसरबाग चौराहे पर अवैध टैक्सी स्टैंड की वजह से भीषण जाम वहां पर लगा रहता है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने सेल्स टैक्स विभाग अधिकारी पर गाड़ी छोड़ने के नाम पर अवैध रुपए मांगने का आरोप लगाकर वाणिज्यिक कर विभाग पर धरना प्रदर्शन किया। युवा प्रदेश अध्यक्ष रईस मलिक ने कहा कि भाकियू तोमर बिल्कुल भी अवैध अगुवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा प्रदेश महासचिव आरिफ मलिक ने कहा कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी गाड़ी नहीं छूटेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। युवा प्रदेश महासचिव आरिफ मलिक ने बताया कि प्रदर्शन के बाद वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने किसानों से गलती मानते हुए गाड़ी छोड़कर मामले को निपटा दिया है। इस दौरान युवा संगठन महामंत्री हाजी इस्लाम, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दिलसाद, ब्लॉक अध्यक्ष लुकमान, निखिल चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष सरसावा आदि लोग मौजूद रहे। एक ट्रक मुरादाबाद से चला, उसके पूर्ण रूप से कागज थे, वैध कागज थे, और वैध कागज होने के ऊपर भी उसने 20-30 क्विंटल का ज्यादा टैक्स दे रखा था, लेकिन अधिकारियों की नाकामियों के उसे खड़ा कर लिया। अब अधिकारी कह रहे बात जांच कर गए, उसे छोड़ रहे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के
अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. सरकारों से सवाल पूछा है, मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। कोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर के एक गोल बाजार खलीलाबाद के प्रतिष्ठान सुरेश ट्रेडर्स ने कोरोना काल को देखते हुए अपने ग्राहकों को छोटी किस्तों में बड़ी खुशियां देने का फैसला किया है। सुरेश ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर गौरव रुंगटा की माने तो कोरोना काल में आम जनता आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिसको देखते हुए उनकी फर्म सुरेश ट्रेडर्स ने फैसला किया है कि कोई भी छोटी सी डाउन पेमेंट पर छोटी किस्तों में उनकी फर्म से कोई भी सामान लेकर अपनी खुशियों में चार चांद लगा सकता है। फर्म के प्रोप्राइटर गौरव रुंगटा का मानना है कि कोई भी इंसान आर्थिक तंगी से खुशियों से महरूम ना रहे, यह स्कीम संत कबीर नगर के लोगों के जीवन में खुशियां बिखेर सकती है। इस कोरोना काल को देखते हुए हमारी फर्म सुरेश रेस खलीलाबाद संत कबीर नगर की तरफ से सभी ग्राहकों के लिए सभी प्रोडक्ट EMI पे भी उपलब्ध हैं। उनको केवल अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनको बिना किसी झिझक के 10 मिनट के अंदर अंदर सारे प्रोडक्ट्स EMI पे उपलब्ध हो जाएंगे। क्या क्या प्रोडक्ट? वो कुछ भी प्रोडक्ट्स लेना चाहें जिसकी कीमत 5000 से ऊपर हो, उनको सारे प्रोडक्ट्स केवल आधार खाने पे ही 15 मिनट के अंदर अंदर EMI पे उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं आगरा में घर में बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। स्थानीय पुलिस CIW और स्वाट टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। अभियुक्त सोनू पंजाबी उर्फ रोहित को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान घायल अभियुक्त से लूट के 5 लाख रुपए, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सूचना के आधार पर थाना कमला नगर पुलिस, CIW टीम और स्वेट टीम द्वारा जब दो बदमाशों को घेरा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश
के गोली लगी और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गोली लगने वाले बदमाश का नाम सोनू पंजाबी उर्फ रोहित है, जिसके पास से 5.5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पीलीभीत जनपद में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और 100% वोटिंग कराने को लेकर लगातार मतदाताओं को वोटिंग करने को लेकर जागरूक करने का काम कर रहा है। इसी क्रम में आज न्यूरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी पुलकित खरे मौजूद रहे। साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर जागरूक करने का भी काम किया है। राजकीय इंटर कॉलेज न्यूरिया के परिसर में आज एक वृहद स्तर पे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करा गया, जिसमें लगभग 10 कॉलेज और 1200 से अधिक छात्र छात्राओं ने यहाँ प्रतिभाग करा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करे, मतदाता जागरूकता की शपथ ली गई, नए मतदाताओं को एपिक कार्ड दिए गए हैं। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उनको प्रेरित करा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अपने बूथों पर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें हैं और जागरूक मतदाता और जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, इसी को लेके ये कार्यक्रम आयोजित करा गया। सीतापुर में पुलिस की करतूत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें, पान मसाले की दुकान से 2 पुलिसकर्मी पान मसाला निकालते हुए नजर आए। दुकान के सामने मकान में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मामला शहर कोतवाली के श्यामनाथ तिवारी चौराहे का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीतापुर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर में दिसंबर माह में जिला चिकित्सालय द्वारा लगाए गए कैंप के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद आज पीड़ितों के परिजनों सहित भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि अगर 4 दिनों के अंदर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आत्मदाह करेंगे। बता दें कि दिसंबर माह में जिला चिकित्सालय द्वारा आंखों का चेकअप करने का कैंप लगाया गया था, जिस दौरान जिन लोगों की आंखों की रोशनी किसी कारणवश कम थी या आंखों में कोई अन्य प्रॉब्लम थी उन लोगों का जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन कराया गया था, जिसके कुछ दिन बाद ही 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी। पीड़ितों के परिजनों का आरोप है कि जब वह लोग जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कुछ दवाइयां देकर उन्हें घर जाने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी सही होने के बजाय चली गई। मेरी बहन है, विवाह है, विधवा है, वो तो उसने जो है आंखों का ऑपरेशन करवाया, यहाँ पर आंखों का ऑपरेशन करवाने के 3 दिन बाद ही आंखें खराब होगी। उन्होंने डॉक्टर के यहाँ आई, उन्होंने बताया दूसरे डॉक्टर के यहाँ, वहाँ चले जाओ। उसने कुछ लिखकर दिया, पर्चे पर दिख दी दवाई, दवाई बाहर से ले लो या कहीं और दिखा लो। फिर डॉक्टर विनय जोशी के पास गए, उन्होंने कहा कि आँख बचाने चंडीगढ़ चले जाओ। यहाँ पे हमारे सहारनपुर अस्पताल में ऑपरेशन करे गए थे, दिसंबर में ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे पहले से, तो उन ऑपरेशन में सारों की आँखें खराब हो गई, किन्हीं किन्हीं की रोशनी चली गई। तो हमने पहले भी यहाँ पे प्रशासन को जागृत करने के लिए हिंदू संगठन आए थे, यहाँ सारे सर्व हिंदू संगठन था, तो हमें 5 तारीख का टाइम दिया गया था कि 5 तारीख को पूरी जांच हो जाएगी। वही रामपुर में जीआरपी रामपुर थाने का एसपी अपर्णा गुप्ता ने वार्षिक निरीक्षण किया है। वार्षिक निरीक्षण को लेकर जीआरपी थाने में तैयारियां पूरी कर ली गई। निरीक्षण पर एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने कहा कि रामपुर जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जो इसमें मुख्य चीजें देखी गई उसमें मिला कि जो यहां पर मुकदमों में संबंधित और अन्य माल है वह देखा गया और रजिस्टर चेक किए गए, सीसीटीएनएस को चेक किया गया और जो मुकदमे या अब यहां बचे हुए हैं उनको देखा गया और जो यहां पर सिपाही तैनात हैं उनसे वार्ता की गई और उनके साथ खाना भी खाया गया। आज रामपुर का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो मुख्यतः चीज़ें देखी गई वो हैं माल, जो माल यहाँ पे माल मुकदमाती या अन्य तरह का माल है, रजिस्टर्स को चेक किया गया, सीसीटीएनएस को चेक किया गया और जो अभी यहाँ पे मुकदमे बचे हुए हैं उनको देखा गया, साथ ही जो यहाँ पे हमारे सिपाही मौजूद है उनसे वार्ता की गई और यहाँ पे उनके साथ भोजन भी मिला गया। ओवरऑल सब कुछ ठीक मुझे यहाँ पर लगा है। सहारनपुर में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि लगभग 49 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 100 के पार 113 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय मांगलिक के अनुसार आज सुबह 10 बजे तक की रिपोर्ट में लगभग
लोग जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद अब सहारनपुर में 113 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 49 पेशेंट्स आए हैं, 10 बजे की जो रिपोर्ट आई है, एक्टिव पॉजिटिव केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हमारे करीब 113 हो चुके। तो सर इनके लिए अभी क्या व्यवस्था की गई है, आइसोलेट के लिए ये सारी क्या व्यवस्था? इसकी पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी हमारे पास है। के लिए बेड सारे ऑक्सीजन। साथ ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र कृषि उपज की पूर्ण खरीदारी और लाभकारी मूल्य आदि जाने की गारंटी समेत 22 बिंदु पर जारी किया गया है, जिसमें 11 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। वहीं शैलेंद्र सरोज से हमारे संवाददाता ने बात की है, आप भी इसको सुनिए। सभी पार्टी लगातार अपनी अपनी मजबूती से जनता के बीच में उतर चुकी। आज जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए प्रधान महासचिव सरोज जी मौजूद आई, इनसे बात करते हैं क्या मुद्दों पे आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कुछ विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जारी की, कितने प्रत्याशियों के लिए जारी की? घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमने जारी किया है 22 बिंदुओं पर और 11 प्रत्याशियों के भी घोषणा किया है। बहुत ही जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर दूसरी भी सूची जारी कर दी जाएगी। सर क्या कुछ अहम मुद्दे हैं आपके इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? अहम मुद्दे हमारे ज्यादातर जो किसान है, नौजवान है, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी जाति धर्म के लोगों को समावेश करके हमने घोषणा पत्र बनाया है और सबकी बेहतरी के लिए और कोई जाति धर्म को। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।